कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने पार्टी से राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गड़ी को स्टार प्रचारक बनाया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। इसे भारतीय जनता पार्टी ने देरी न करते हुए लपक लिया है और आरोप लगाया है कि माफिया अतीक अहमद इनका गुरु रहा है। बता दें, बीजेपी सांसद शोभा करंदालेज का आरोप है कि ये अतीक अहमद के साथ मंच साझा कर चुके हैं और उनके दोस्त रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे कांग्रेस का दुष्टीकरण बताया है। जरा सुन लीजिए बीजेपी सांसद क्या बोल रही हैं। गैंगस्टर के साथ थे, गैंगस्टर का फ्रेंड है, गैंगस्टर आतिक अहमद अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे, ऐसा इमरान प्रताप गड़िया कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र का राज्यसभा का एमपी बनके राज्यसभा में आए, कर्नाटक आए थे, कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण किया, उन्होंने बताया मुसलमान ऐसा लोग है वो सर झुकाने वाले लोग नहीं है, सिर काटने वाले हैं, ऐसा भाषण इमरान प्रताप गड़िया कर्नाटक में किया था। इमरान प्रताप गड़िया बहुत खुशी से इसका सोशल मीडिया में भी डाला है। आतिक अहमद के साथ इसका रिश्ता था, वो भोजन में बुला रहा था, उसके ऊपर शहरी लिख रहा था, शहरी गा रहा था। इमरान प्रताप गड़िया एक शहरी लिखने वाले और शहरी गाने वाले भी है, एंड इसका मंच पे शहरी का प्रोग्राम में आतिक अहमद आते थे एंड बैठते थे, उसके ऊपर वो शहरी गाते थे। ऐसा इमरान प्रताप गड़िया को कर्नाटक इलेक्शन का स्टार कैंपेन का लिस्ट में कांग्रेस रखा है। ये कांग्रेस का हाथ अपराधियों का साथ है, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। इसी से वो तो इमरान प्रताप गड़िया जैसे लोगों को कांग्रेस पूरा देश में घुमाना चाहते हैं। ये कांग्रेस है, कांग्रेस का हाथ अभी कौन गोहत्या करते हैं उसके साथ भी है। वो तो मुकुटी बोल के केरल में कौन रास्ता में सड़क में गो का हत्या किया, उसको सेलिब्रेट किया, उसके साथ राहुल गांधी घूम रहे हैं। वहीं आपको बता दें, बीजेपी सांसद शोभा का कहना है कि इमरान प्रताप गड़ी गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के साथ रहते थे और ये उनके दोस्त हैं, साथ ही साथ गुरु और भाई मानते थे। उन्होंने कर्नाटक में आकर हिंदू विरोधी भाषण दिया। उन्होंने कहा था कि मुसलमान से झुकाने वाले लोग नहीं है, वो सिर कटाने वाले लोग हैं। इमरान ने अपने भाषण को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था। वहीं शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया कि अतीक अहमद भोजन पर इमरान प्रताप गड़ी को बुलाता था और ये उनके ऊपर शेर व शायरी लिखते थे। अतीक अहमद जब मंच पर आते थे तो वह उनके ऊपर लिखी शायरियां सुनाया करते थे। कांग्रेस ने उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है, जो कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ है। बता दें, बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है, इसके अलावा गो हत्या करने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।